एक समय में एक गांव में रामन्ना नामक एक रेलवे कुली था। रामन्ना उसके बीवी और दो बच्चों के साथ एक छोटे घर में रहता था। वो रोज के वेतन के लिए रेलवे स्टेशन में सूटकेस और बैग्स को उठाता था। वो अच्छा आदमी था, लेकिन उसकी बुद्धि थोड़ा टेढ़ा था। रामन्ना स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे खड़े होके आते जाते प्रयाणिकों को कूली के लिए पूछता था। कूली बाबू, कूली भैया, कूली साहब, ऐसे वो कूली काम के लिए स्टेशन में आते जाते हर लोग से पूछता था। लेकिन रामन्ना को एक भी कूली का काम नहीं मिल रहा था। रामन्ना को सुबह खाने की आदत थी, लेकिन उस दिन कुछ ना खाने के कारण वो भीखा पड़ गया था। दीवार पे थोड़ा सा झुककर खड़ा था। इतने में एक बुजुर्ग, सुनो बाबू कूली, 4 सूटकेस हैं, ट्रेन के आते ही इन सूटकेसों को उसमें लगाना है। जी साहब, लगा दूंगा। रख तो मैं दूंगा, लेकिन कितना दोगे ये तो बोलिए। हर सूटकेस का 5 रुपए मानकर मैं तुम्हें 20 रुपए दूंगा। क्या 5 रुपए दोगे? तो तुम ही उठा लो ये बैग, जाओ जाओ। सूटकेस का 25 रुपए मानकर 100 रुपए दे दो। क्या सूटकेस का 25 रुपए? मैंने सूटकेस उठाने को बोला है, ट्रेन के भोगी को नहीं। जाओ जाओ। मैंने भी सूटकेस के बारे में ही बात किया, रेल की भोगी की नहीं। 4 सूटकेस का 20 रुपए देता बोला। आया बड़ा है कंजूस आदमी। क्या बोला तुमने? 20 रुपए कम है और मैं कंजूस हूँ। चलो हटो यहाँ से, तुम नहीं हो तो बहुत सारे कूली हैं यहाँ पे। हाँ बड़े, आ जाएंगे लाइन में तुम्हारे इस 20 रुपए के लिए। तुम्हें खुद उठाकर रख देंगे रेल में, जाओ जाओ। इतने में रेल स्टेशन पे पहुंच भी गई और रामन्ना के देखते देखते ही चला भी गया। लेकिन रामन्ना को एक भी कूली का काम नहीं मिला था। एक तो पैसे नहीं थे और दूसरा उसे भूख लग रहा था। इसी कारण रामन्ना को गुस्सा आ गया था अपने आप पे और अपनी परिस्थिति पे। उस गुस्से में वो अपने आप को कोसने लगा। अब करने को कुछ नहीं था, तो इसलिए रामन्ना ने फैसला किया कि कम पैसों में कूली का काम कर देगा। लेकिन उसे सारे स्टेशन में कोई काम नहीं मिला। ऐसे दिन ढल भी गया और उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। उसी दुख में वो अपने घर का रास्ता पकड़ा। घर पहुंचते ही पापा के इंतजार में बैठे उनके दोनों बच्चे दिखे उसको। अपने पिता को खाली हाथ देख दोनों बच्चे बहुत निराश थे। अपने बच्चों को ऐसे देख रामन्ना भी दुखी हो गया। दिन ब दिन घटता उसके परिवार का हालत देख रामन्ना अपने आप में रो दिया। एक तरफ उसकी बीमारी बीवी को देख, आज सुबह मिले उस 20 रुपए की कूली कर देता, अपनी बीवी की दवाई तो ना हो पाता, लेकिन कम से कम मैं बच्चों को तो खिला पाता। ऐसे वो अपनी घमंडी नियत को कोस कर कुछ काम ढूंढने के लिए तुरंत रेलवे स्टेशन की ओर भागने लगता है। आधी रात तक काम करने के बावजूद उसे उसके खर्चों के लिए काफी पैसे भी नहीं मिलते हैं। इतने में रेलवे स्टेशन में मौजूद पुलिस आधी रात को रामन्ना को उधर मंडराते हुए देख उस पे शक करते हैं। चोर समझकर उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। साहब साहब, मैं कोई चोर नहीं हूँ साहब, मैं एक कूली हूँ साहब। ऐसे उसके कहने के बावजूद पुलिस उसका बात नहीं मानते हैं। उसके पास मौजूद थोड़ी बहुत चिल्लर भी ले जाते हैं। तुम्हारे कूली का पहचान लेकर कल स्टेशन आओ, तब तुम्हें छोड़ते हैं। साहब साहब, मैं कोई चोर नहीं हूँ साहब, मेरी बात तो सुन लो साहब। ऐसे रामन्ना पुलिस को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी बात ना मानकर पुलिस वहाँ से चले जाते हैं। इस कारण रामैया स्टेशन में अकेले बैठकर, हाय भगवान, मेरी इतनी बुरी हालत क्यों कर दी तूने? मेरे पास बचे चिल्लर भी उन्होंने ले लिया, आज मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? ये सब सोचते हुए निराश होकर रामैया स्टेशन में चलते जाता है। इतने में रेलवे पे खड़े एक ट्रेन में से एक प्रयाणी उनके खाने के बाद बचे हुए खाने को रामैया को देते हैं। उस खाने को लेकर रामैया खुशी खुशी अपने घर की ओर बढ़ता है। घर पहुंचते ही अपने बच्चों को इंतजार करते हुए देख रामन्ना जल्दी जल्दी उनके पास जाकर उस खाने का कवर खोलकर उसमें बचे रोटी को उन दोनों में बांट देता है। रामन्ना का छोटा बेटा
उसके दिए हुए रोटी को जल्दी खाकर पापा भूख लग रही है, पापा भूख लग रही है, ऐसे कहता है। और बस रामन्ना के हाथ में बचे आखिरी टुकड़ा भी वो उसके छोटे बेटे को दे देता है। ये देख रामन्ना की बेटी उसके पास जाकर पापा आप नहीं खाओगे, ऐसे पूछती है। मैं तो कब का खा लिया बेटा, मैं ये खाना तुम्हारे लिए लाया हूँ, ये कहकर वो पानी से अपना पेट भर के सो जाता है। अगले दिन उसकी बीमार बीवी, भूखे बच्चे, गरीब हालत के बारे में सोचते हुए भगवान की कृपा से अगर आज कुछ काम मिला तो अपनी बीवी के लिए दवाई, बच्चों के लिए खाना ले जाऊंगा, इसी सोच के दुख में वो स्टेशन की ओर बढ़ता है। आज रामन्ना घमंडी ना होकर जितना भी काम मिले सारा कर देता है। दिन ढलते ही वो कुछ पैसे कमा लेता है। चलो आज कुछ तो पैसे मिले, ऐसे सोचते हुए वो उसके घर जाने के लिए स्टेशन से बाहर जाने लगता है। इतने में उसे स्टेशन के एक बेंच पे एक सूटकेस दिखता है। उस समय में स्टेशन में कोई रेल नहीं था, चारों ओर एक भी आदमी नहीं था। वो सोचने लगता है कि ये सूटकेस किसका हो सकता है। चारों ओर कोई ना दिखने के कारण वो सोचता है कि कोई उसका सूटकेस भूल गया होगा, इसीलिए उस सूटकेस को लेकर वो पुलिस स्टेशन जा पहुंचता है। जो पुलिस उससे कल रात पैसे लिए थे वो उसे वहां दिख जाते हैं। उनके पास जाकर साहब मुझे ये सूटकेस स्टेशन में मिली है साहब, वहां कोई नहीं था, लगता है कोई भूल गया, आप ही इसको इसके मालिक के पास पहुंचा दीजिए साहब। उसके कारण पुलिस को समझ आता है कि ये चोर नहीं नेक इंसान है। ये देख उससे बोलते हैं ठीक है तुम घर चले जाओ, हम इस सूटकेस को उसके मालिक तक पहुंचा देते हैं, ऐसे कहकर उसे वहां से भेज देते हैं। उस दिन कमाए हुए पैसों को लेकर रामन्ना उसके परिवार वासियों के लिए खाना लेकर बीमार बीवी के लिए दवाई भी लेकर घर जाता है। अगले दिन आज पता नहीं कैसे रहेगा, ऐसे सोचते हुए स्टेशन पहुंचता है। पहुंचते ही उसके सामने स्टेशन मास्टर दिख जाते हैं। आ गए तुम, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मैं। उनकी ये बातें सुनकर रामन्ना डर जाता है। क्या हो गया साहब, क्या मैंने कुछ गलत किया है? अरे रे ऐसा कुछ नहीं है रामन्ना, कल रात के तुम्हारे अच्छे काम के लिए तुम्हें तोहफा मिला है। तुमने जो सूटकेस पुलिस लोगों को पहुंचाई थी वो एक अमीर आदमी का है, तुम्हारी अच्छाई की दाग देकर तुम्हारे लिए कुछ पैसे भिजवाया उन्होंने, हर अच्छे काम का प्रतिफल होता है। ये कहते हुए स्टेशन मास्टर रामन्ना को वो पैसे देता है। अच्छे काम करते हुए अपनी जिंदगी और जिम्मेदारी निभाओगे तो उसका प्रतिफल तुम्हें हमेशा मिलेगा।